नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पेगासस इज क्लासिफाइड एज अ वेपन, शुड आई टेक ऑफ? पेगासस इज क्लासिफाइड बाय द इजरायली स्टेट एज अ वेपन, एंड दैट वेपन इज सपोज टू बी यूज्ड अगेंस्ट टेररिस्ट्स। The Prime Minister and the Home Minister have used this weapon against the Indian state and against our institutions. They have used it politically, they have used it in Karnataka, they have used it to scuttle probes, they have used it against the Supreme Court, they have used it against all the institutions of this country. The only word for this is treason. There is no other word for this. Right? And this has to be investigated and the Home Minister has to resign. देखिए, ये Pegasus जो है, इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। यह उस पर आक्रमण है, यह जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया, राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए, क्योंकि इस पेगासस को का ऑथराइजेशन और कोई कर नहीं सकता है। इस पेगासस का ऑथराइजेशन प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर सकते हैं। आपके कोई सवाल हो? कैन वी टेक वन बाय वन मैम? द लिस्ट व्हिच हैज कम आउट टुडे ऑन द पेगासस थिंग, इट इंक्लूड्स अ बिजनेसमैन, अ लीडिंग बिजनेसमैन हुज नेम वाज देयर इन द ऑफसेट लिस्ट। द इंक्वायरी इज गोइंग ऑन इन फ्रांस, बट हियर द गवर्नमेंट इज मम। हाउ डू यू टेक दिस? लुक, आई हैव सेड वेरी क्लियरली दैट देयर हैज बीन ग्रॉस थेफ्ट इन राफेल। नन ऑफ यू पीपल सपोर्टेड मी, दिस इज द ट्रूथ। For whatever reason, none of you people supported me. But the truth has a way of coming out. Right? There is an inquiry in France, and you will see the Prime Minister himself is responsible for corruption in Rafael. You'll see it. Right? You can't buy everybody. You might think you can buy everybody. The Prime Minister might think he can suppress everybody. He might buy everybody. We can't. And the reason all those people, even in your question, you're asking a very interesting question. You're asking it in a very particular way. Why are you not asking why the CBI director's phone was not tapped? Why are you asking me about Anil Ambani? No, you can't ask me. Because this is a mischievous question. The real question is, why on the last minute, when the CBI director was about to file an FIR, why was his phone trapped and why was he blackmailed? That's the real question. And who did it? That's the question. The question is not whether Anil Ambani's phone was tapped. See, so even in your questions, it's all related. No, but you have to ask the correct question. See, you have to ask the precise question. So the answer is, the entire Indian state is under attack. The amazing thing is, you don't know. You don't seem to understand that you are being attacked. Maybe because you're paid. Maybe because you have to live with these cameras. Maybe. But this is not an attack on Rahul Gandhi. This is not an attack on individuals. This is an attack on the Indian state. Sir,
सरकार लगातार ये कह रही है कि ये जो जिसका इस्तेमाल विपक्ष कह रहा किया गया है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, वो जांच से तो इनकार कर रही है। तो ऐसे में आप अच्छा तो एक बात बताइए, अगर अगर इधर लुकिंग अगर कुछ लेना देना नहीं, अगर हिंदुस्तान की सरकार ने ये नहीं किया तो किसी और सरकार ने किया होगा, जापान की सरकार ने किया होगा, इजराइल की सरकार ने किया होगा, रूस की सरकार ने किया होगा, युगांडा की सरकार ने किया होगा, क्योंकि पेगासस तो सिर्फ सरकार को बेचा जा सकता है, तो फिर उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए नहीं? तो प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह रहे हैं, हाँ लोगों के नंबर पेगासस में टैप हुए हैं, इंक्वायरी कराएंगे। प्रधानमंत्री ये क्यों ये क्यों कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, ये जवाब नहीं है कि उन्होंने खरीदा या नहीं खरीदा। नहीं, और ये और ये भी सवाल है कि ये उन्होंने खरीदा है या नहीं, उसको तो जवाब दे दीजिए। सरकार इस पे कह रही है हाँ या ना पे जवाब नहीं दे रही, कह रही ये भी क्लासिफाइड है कि हमने इस्तेमाल किया है कि नहीं, और एमनेस्टी ने कह दिया है। देखिए, राफेल का मामला क्लासिफाइड था, किसानों का मामला क्लासिफाइड है, आजकल हिंदुस्तान में सबका सब क्लासिफाइड है, ठीक है। एमनेस्टी पोटेंशियल टारगेट की बात करी थी, ये नो इट इज नॉट अ पोटेंशियल टारगेट, माई फोन इज टैप्ड, इट इज क्लियरली टैप्ड, राइट, सो इट्स नॉट अ पोटेंशियल टारगेट। आपको क्या डर लगता है फोन इस्तेमाल करते हुए? नहीं देखिए, खुली किताब है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए सिंपल सी बात है, इंडियन पॉलिटिक्स को आप समझना चाहते हैं, अगर आप भ्रष्ट हैं, अगर आप चोर हैं, आपको डर लगेगा, मोदी से आप डरोगे। अगर आप भ्रष्ट नहीं हो, अगर आप चोर नहीं हो, मोदी से आपको बिल्कुल डर नहीं लगता, हंसी आती है, सिंपल सी बात है। आर यू अलाउड टू बाय पेगासस? कैन आई बाय पेगासस? पेगासस हैज टू बी ऑथराइज्ड बाय द नेशन स्टेट, द फाइल हैज टू बी साइंड at a minimum by the home minister, probably by the prime minister. Pegasus cannot be sold to the military of a country, it is sold to the government of a country, please read the contract, right? It's sold from government to government, much like Mr. Modi says the Rafael deal was a government to government deal, but then Mr. Anil Ambani is sitting in the meeting. So farmers ka bhi ek issue hai, log protest kar rahe hain, log bhi lagatar, hamara stand us pe bilkul clear hai, ये जो कानून है इनको वापस लिया जाए। तो लेकिन सरकार कह रही है कि बातचीत के लिए तैयार है, जो डिस्कशन है वो करेंगे, बातचीत के लिए कोई बातचीत का मामला नहीं है, मामला कानूनों को वापस लेने का। इट इज नॉट ओनली दिस फोन, एवरी सिंगल फोन ऑफ माइन इज टैप्ड, ओके, एंड लेट मी टेल यू अनदर थिंग, आई गेट फोन कॉल from IB people who tap my phone, okay, they call me up and say please be aware that we are tapping your phone, okay, so I also, by the way, my security people tell me, right, that they have to debrief what I say, they have to report to their seniors everything I say, so I am under no pretensions that I am not tapped. ये तीन चार बार मेरे साथ हुआ है, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स को फोन किया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप राहुल गांधी को बता दीजिए कि हमारी उसकी टैपिंग होती है। सर थैंक यू गाइस, थैंक यू सर। राहुल गांधी एक तरह से बताया भी जाता है, क्या आपको लगता है इंटिमिडेशन है कि आप? आई डोंट इंटिमिडेट, मैं नहीं होता सर। आप जेपी सिंह अभी भी कायम है या सुप्रीम कोर्ट के? सुप्रीम कोर्ट सर ने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट सी आई डोंट गेट इंटिमिडेटेड, आई एम दीस थिंग्स डोंट इंटिमिडेट सर। गवर्नमेंट सर गवर्नमेंट लगातार कर रही है।